नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग। भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आ गए हैं, पर इसके कारण डीलर अलर्ट हो गए हैं और वो ऐसा माहौल बना रहे हैं कि यहाँ पे रेट ये हो गया, अब 10 लाख बढ़ गया, 20 लाख बढ़ गया। तो ऐसे बहकावे में ना आए और अपनी बुद्धि का उपयोग करें। फिलहाल यहाँ पे जो पहले था जंगल, अब भी वही जंगल है, ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो लालच में ना फंसें आप और अपनी बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि लालच में फंसने से आप फंस सकते हो, दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो माल मिल रहा है प्रसाद ही समझें, लूटपाट की कोशिश ना करें, लूटपाट करने में दिक्कत आ सकती है। प्रसाद के रूप में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये भगवान का भोग, माखन मिश्री और बच्चों के लिए प्रसाद, सारे खोल दें। तो यहाँ भी वही है कि प्लॉट जो नसीब में मिल रहा है, सही रेट पे मिल रहा है, तो ज़रूर ले लें। किसी भी लालच में ना आए कि अभी जो कह रहे हैं लोग, सिर्फ ये घोषणाएं हैं अखबारों में लगातार आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। ये बुलबुला है प्रॉपर्टी का, बुलबुला कभी भी फट सकता है। जैसे USA में लीमन ब्रदर में हुआ था कि रेट डीलर बढ़ाते गए, एक्चुअल में कोई रहने आ ही नहीं रहा। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि जब तक ग्राउंड पे लोग नहीं आएंगे। यमुना में भी अभी जंगल है और ग्रेटर नोएडा की भी ज़्यादातर सेक्टर जंगल हैं, तो चीज़ का ध्यान रख के खरीदें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेट वही था, वो रेट मच्योर हो गया है अगले 5 से 6 सालों के लिए। हाँ, योगी जी आ गए, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब यहाँ काम चलेगा, पर काम चलने में तो टाइम चाहिए, उसमें 5 से 6 साल लग जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए, बहुत ज़रूरी है वो। जैसे ये भगवान का प्रसाद बन रहा है, तो ज़मीन जायदाद भी प्रभु के प्रसाद की तरह होती है। जब मिल जाए तो ठीक है, प्रसाद ख़त्म हो जाए तो हाय तौबानी करनी चाहिए कि हाय मुझे तो मिला नहीं, हाय मुझे तो मिला नहीं। ज़मीन जायदाद, लड़का लड़की, शादियां, ये सब प्रभु की कृपा से ही मिलते हैं। नसीब से पहले को किसी को कुछ नहीं मिलता। जो साल पहले कूड़ा था, आज लोग तरस रहे हैं, हो सकता है 5 साल बाद कूड़ा हो जाए, कुछ नहीं पता। तो लालच ना करें कच्चा, और ये प्रॉपर्टी के बुलबुले में ना फंसें। जब भी प्रॉपर्टी नसीब में होगी तो ज़रूर मिलेगी, उसमें बिल्कुल टेंशन ना लें। बिना टेंशन के आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिलहाल प्रभु के रस में मजा लीजिए, हर वक्त हाय तोबा नहीं करनी चाहिए। हाय तोबा से आदमी फंस जाता है, मन को शांत भी रखना चाहिए।